इसके बाद में कराते हैं। नहीं तो चलवाई उन्होंने पहले उसकी करा लेंगे फोटो। ठीक है। कुछ अपडेट्स थे और वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे। सबसे सर्वप्रथम तो आपको ज्ञात होगा एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था देर रात 1 और 2 जून की रात के बीच में। ये इस संबंध में यहाँ थाना शहर यमुनानगर में एक FIR दर्ज की गई थी। इसमें एक लड़का है मनी जो अरविंदर सिंह का, जो एक FIR दर्ज की गई थी। फायरिंग की घटना थी यहाँ पे, देर रात एक फायरिंग की गई थी। तो इसमें अरविंद सिंह उर्फ अन्नी था और इन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि एक गगन भुल्लर नाम का व्यक्ति जो है, इन्होंने पहले इनको धमकी दी फोन पे और उसके बाद आके वहाँ पे फायर किया और इस संबंध में FIR दर्ज की गई 459 नंबर, धारा 307, 506 IPC और 25 आर्म्स एक्ट में। तो इस संबंध में CIA टीम ने जो है वो कार्रवाई करते हुए जो मुख्य अभियुक्त है जो इसमें फायरिंग में संलिप्त था गगन भुल्लर, उसको गिरफ्तार किया है इसमें। और ये जो व्यक्ति है इसने अभी पूछताछ में ये माना है कि उसका दोस्त एक और है ऋषभ त्यागी, उसके साथ मिलके उसने ये घटना को अंजाम दिया है और इसमें बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए CIA टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। जो अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और लगभग इनकी उम्र जो है वो अर्ली 20s में है, 24 साल की इनकी उम्र है। और जैसा मैंने बताया कि युवा अवस्था में इनका अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसको लेके विवाद था, पर इसको हमने, क्योंकि ये इसमें फायरिंग की गई थी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, इसलिए इसको गंभीरता से लेते हुए हमने इसमें गिरफ्तारी की है। जी, सारा सोर्स इसका जो है कहाँ से लेके आए और एक्चुअल जो वेपन है ये भी हम इसको रिकवर करेंगे और इस संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन बताया उसको भी जल्दी पूर्ण करेंगे। आज गिरफ्तार करके इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड में जो भी इसमें रिकवरी है वो इफेक्ट की जाएगी।